प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक, गर्भावस्था का पहला हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये शुरू के 7 दिन। इन दिनों आपको कौन से ऐसे काम हैं, 10 इंपॉर्टेंट काम जो आपको ज़रूर से करने ही करने हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में उसके बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये काम आपको ज़रूर से करने ही करने हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे, मिसकैरेज का रिस्क ना हो, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो और आप एक पूर्णतः विकसित हेल्दी बेबी को जन्म रखिए। आइए जानते हैं, मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। सबसे पहला महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है वह ये है कि आपको अपनी डाइट के अंदर अखरोट और बादाम ज़रूर से लेने हैं। जी हाँ, अखरोट और बादाम आप 10 से 15 बादाम भिगो के ले सकती हैं, 5-10 भी चलेंगे, और दिन के 2 अखरोट ज़रूर लीजिए क्योंकि इन दोनों में होता है DHA। जी हाँ, यह बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। DHA का प्रयोग करने से आपके बच्चे का IQ अच्छा होगा। तो शुरू के हफ्ते में ज़रूर से, आगे भी आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकती हैं लेकिन शुरू से ही चालू कर दीजिए बादाम और अखरोट का प्रयोग। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, फोलिक एसिड ज़रूर लीजिए। जी हाँ, फोलिक एसिड नेचुरली भी पाया जाता है, डाइट के अंदर हमें मिलता है खाने पीने की चीज़ों से, लेकिन वह यूजुअली इतने अमाउंट में नहीं होता कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, इसलिए हमें फोलिक एसिड की गोली खानी पड़ती है। फोलिक एसिड की गोली लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यह आपके बच्चे में एक बहुत ही खतरनाक रोग जिसे कि हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, जो कि एक प्रकार की जन्मजात विकृति है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उससे आपके बच्चे को बचाता है। जी हाँ, तो फोलिक एसिड जिसकी बहुत ही छोटी सी मार्केट में इजीली अवेलेबल गोली होती है, अपने गायनेक से कंसल्ट करके ले लीजिए, परंतु ज़रूर लीजिए, उसका प्रयोग करना नहीं भूलिए। पहले 7 दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी लेनी रहेगी, शुरू के 3 महीने चालू रहेगी, परंतु शुरू कर दीजिए पहले हफ्ते से ही। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह है कि आपको खाने के अंदर हरी सब्जियां और फल का प्रयोग अधिक मात्रा में करना है। हरी सब्जियां और फलों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में होते हैं और न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स भी जो पाए जाते हैं वह आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जो ये शुरू का 7 हफ्ते का दिन होता है, इसके अंदर बच्चे के ऑर्गन फॉर्मेशन का यह टाइम होता है, तो इसके अंदर खाने पीने का ध्यान थोड़ा अधिक रखने की ज़रूरत रहती है। तो डेफिनेटली हरी सब्जियों और फल का प्रयोग बढ़ा दीजिए, दिन के अंदर मिनिमम 2 फ्रूट्स ज़रूर लीजिए और 2 सर्विंग कम से कम सब्जी की ज़रूर लीजिए, यानी कि सुबह और शाम, लंच और डिनर दोनों ही टाइम कम से कम 1 हरी सब्जी खाना आपके लिए ज़रूरी है। शुरू के 7 दिन के अंदर, शुरू के पहले वीक के अंदर, फर्स्ट वीक के अंदर आपको लिक्विड्स का इंटेक भी अधिक मात्रा में रखना है। लिक्विड लेना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप डिहाइड्रेटेड ना हो, आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर रहे, क्योंकि यह शुरू के 1 हफ्ते में बॉडी के अंदर कुछ इस प्रकार के चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं कि आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लेंगी, यानी कि लिक्विड का अमाउंट अच्छी मात्रा में लेंगी, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, चक्कर आने की समस्या नहीं होगी जो कि बहुत कॉमन होती है शुरू के 1 हफ्ते में, आपका BP मेंटेन्ड रहेगा। अगला महत्वपूर्ण काम जिसका आपको ध्यान रखना है, आपको खाना एक साथ ज़्यादा खाने की जगह थोड़ा थोड़ा बार बार खाना है। खाने का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, अमाउंट कम कर दीजिए। जी हाँ, एक साथ ज़्यादा खाना खाने की जगह, यानी कि बहुत से लोगों को आदत होती है कि एक बार खाया फिर 4-5 घंटे तक वो कुछ नहीं खाते, फिर एक साथ बहुत सारा खा लेते, तो ऐसा ना करके थोड़ा थोड़ा बार बार खाइए। थोड़ा थोड़ा बार बार खाने से आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, एसिडिटी कम होगी, आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर पाएंगी। पहले हफ्ते के अंदर रेस्ट का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप रेस्ट करेंगी तो आपके हार्मोन्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आपको रात को मिनिमम 8 घंटे की नींद आपकी कम से कम पूरी होनी चाहिए ही चाहिए, और दिन में भी 1 से 2 घंटा रेस्ट का डेफिनेटली होना चाहिए। इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, बच्चे की ग्रोथ में यह डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो प्रॉपर अमाउंट में रेस्ट शुरू के दिनों में बहुत ज़रूरी होता है, जो कि महिलाएं यूजुअली उस चीज़ को भूल जाती हैं, उसका ध्यान नहीं रख पाती हैं, लेकिन यह शुरू के हफ्तों में बहुत ही ज़रूरी है। रेगुलर वॉक कीजिए। जी हाँ, डेली वॉक ज़रूर कीजिए। शुरू के हफ्ते में हम किसी भी प्रकार की ब्रिस्क
क्विक या विगरस एक्सरसाइजेस के लिए मना कर देते हैं, किसी भी प्रकार का फास्ट दौड़ना या जंपिंग या इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम मना कर देते हैं, परंतु वॉक करने को डेफिनेटली अलाउ करते हैं। वॉक और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको पहले हफ्ते से ही चालू कीजिए। आपका मूड अच्छा रहेगा, जो कि मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, बहुत कॉमन होता है मूड खराब होना, बिना फालतू रोना आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, इवन डिप्रेशन होना, तो यह सब कम होगा अगर आप रेगुलर वॉक करेंगे। आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। प्रेगनेंसी के अंदर शुगर लेवल्स बढ़ने की संभावना कम रहेगी, जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ने वाला बीपी, यानी कि प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने की संभावना भी कम हो जाएगी। पीआईएच की पॉसिबिलिटी भी कम होगी अगर आप शुरू से ही रेगुलर वॉक करेंगी। तो रेगुलर वॉक करना डेफिनेटली चालू कर दीजिए पहले हफ्ते से ही। होल ग्रेन्स का प्रयोग बढ़ा दीजिए। जी हाँ, अगर आप पहले मैदा, बिस्किट, नमकीन ये सब चीज़ें ज़्यादा लेती हैं तो उसका इंटेक कम कर दीजिए। होल ग्रेन्स लीजिए, यानी कि जिसे हम मोटा आटा कहते हैं। जी हाँ, जो गेहूं होता है, जैसे कि आजकल बहुत बारीक पिसा हुआ गेहूं होता है जिसमें उसका छिलके का अमाउंट बिल्कुल भी नहीं होता, तो वो जो छिलका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर फोलेट, जिंक, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, तो मोटे आटे का प्रयोग कीजिए। फाइन रिफाइंड फूड, मैदा वगैरह का प्रयोग कम कीजिए, होल ग्रेन्स लीजिए, वो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है, अपनी डाइट के अंदर फाइबर का इंटेक अच्छी मात्रा में रखना है। फाइबर किस चीज़ों में होता है? फाइबर जैसे कि होल ग्रेन्स में तो डेफिनेटली होता ही होता है, सलाद है जैसे कि कुकुम्बर है, यानी कि खीरा है, टमाटर है, ककड़ी है, इन चीज़ों का प्रयोग अधिक कीजिए। हरी सब्जियाँ ज़्यादा लीजिए, पालक है, ब्रोकोली है, इन चीज़ों का प्रयोग अधिक कीजिए। फाइबर का अमाउंट अच्छी मात्रा में आपकी डाइट के अंदर जाना ही चाहिए। एक और महत्वपूर्ण काम जो आपको जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो ज़रूर से आपको करना है कि जाकर अपने डॉक्टर से मिलिए। जी हाँ, बहुत सी बार महिलाएं इंतज़ार करती रहती हैं, शुरू के 3 महीने निकलने के बाद वो डॉक्टर के पास जाती हैं, लेकिन आपको जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए, ताकि आपकी ज़रूरी दवाइयाँ शुरू की जा सकें और ज़रूरी टेस्ट हो सके। बहुत बार क्या होता है, जैसे कि महिलाएं या तो फोलिक एसिड नहीं ले रही होती हैं, उन्हें आइडिया ही नहीं होता है। कभी कभी कुछ महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है ताकि मिसकैरेज वगैरह ना हो, तो वह डेफिनेटली आपकी गायनेक जब चेक करेंगी तो उन्हें रिक्वायरमेंट क्या है वो पता चलेगी, और उसके हिसाब से वो इसे स्टार्ट करेंगी। कुछ बेसिक टेस्ट भी होते हैं जो कि कराए जाते हैं, उससे आपका एक बेसलाइन का आइडिया रहता है। इंपॉर्टेंट टेस्ट के अंदर एक थायराइड का टेस्ट भी होता है, ताकि अगर कुछ भी हिला हुआ है तो तभी की तभी उसका ट्रीटमेंट चालू किया जा सके, ताकि उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर कम से कम आए। तो अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, ज़रूर से मिलिए। तो ये हैं वह महत्वपूर्ण काम जो कि आपको शुरू के एक हफ्ते में ज़रूर से करना है। इसके अलावा आपको डिलीवरी के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानना हो, या प्रेगनेंसी के अंदर क्या खाना अवॉइड करना चाहिए, प्रेगनेंसी के बारे में हर महीने की पूरी डिटेल्स हमारे चैनल पर अच्छे से दी गई हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकती हैं। धन्यवाद।